आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. नो डाउट प्रिडोमिनेंटली एक लव स्टोरी और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक रोमांटिक हीरो का है. लेकिन इस फिल्म में ऑब्वियसली जो इसका टाइम पीरियड है 1971 का, उसमें उस वक्त ढाका फॉल भी हुआ था और मेरा जो कैरेक्टर है वो उस वक्त ढाका में ही होता है, तो नेचुरली ये फिर उस सिचुएशन में फंस जाता है. तो वो सारे यार जो मैंने इस वक्त अभी ट्रेलर देखा है, ऑनेस्टली मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत आगे का ट्रेलर है, बहुत आगे की एक्सपेक्टेशन है माशाल्लाह. और जो जिस स्केल पर कामरान शाहिद इस फिल्म को ले गए हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान को इस तरह की फिल्म बनाने की बड़ी ज़रूरत थी. ये रोल का ताल्लुक है वो क्रेडिट शाहिद कामरान साहब को जाता है, क्योंकि इसमें होता ही है कि जो आप क्रिएट करते हैं ना करेक्टर, जो एक राइटर लिखता है और वो हम डायरेक्टर के साथ मिल के उस करेक्टर को बनाते हैं. मैं कह सकता हूँ कि एक डिफरेंट रोल है मेरी ज़िंदगी का, ख़ास तौर पे फिल्मी पर्दे पे. इस तरह के रोल शायद पहले थिएटर पे किया हो मैंने, मगर ये फिल्म की स्क्रीन पे एक मेरा डिफरेंट रोल है. जी ओके सर, ये बताइए कि हमने ये बताया जा रहा है कि ये रोमानवी फिल्म है, एक रोमांटिक फिल्म है, बताया नहीं जा रहा कि है एक रोमांटिक. लेकिन इसमें साथ साथ जो है वो उस वक्त का 1971 के जो हालात थे उसको भी डिस्कस किया, और आप मेन करेक्टर में इसमें क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपने पाया इस ओवरऑल मूवी को, कैसा देखा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा मैं लक बहुत अच्छा रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. नो डाउट प्रिडोमिनेंटली एक लव स्टोरी और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक रोमांटिक हीरो का है. लेकिन इस फिल्म में ऑब्वियसली जो इसका टाइम पीरियड है 1971 का, उसमें उस वक्त ढाका फॉल भी हुआ था और मेरा जो कैरेक्टर है वो उस वक्त ढाका में ही होता है, तो नेचुरली ये फिर उस सिचुएशन में फंस जाता है. तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो भी फिल्म में डिस्क्राइब किए गए हैं, और उसी हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत पावरफुल फिल्म है, बिकॉज नॉट जस्ट रोमांटिक फिल्म है, लोग शौक से देखते हैं रोमांटिक फिल्म, गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, लेकिन एक हिस्टोरिकल एलिमेंट भी है इस फिल्म के अंदर जो इस फिल्म को और सब्सटेंस और डीपर बना के देती है. इमोशनल फिल्म भी है, ऑब्वियसली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री लिखी भी गई है, लोग जानते भी हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना और बात करना बहुत अच्छी बात है. एंड उसको एक बहुत अच्छे अंदाज से जैसे एक रोमांटिक एंगल पे उस पर डिस्कस किया गया मेरे कैरेक्टर के हवाले से. वो बड़ा हीरोइक कैरेक्टर है, आई थिंक एक बड़ा ड्रीम कैरेक्टर है किसी भी एक्टर के लिए. इस तरह का जो एक रोल होता है जिसमें आपके पास इतना मार्जिन होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, तो आई थिंक बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और लोग बहुत इन्जॉय करेंगे फिल्म को. थैंक यू. बड़ी ज़बरदस्त हमने ट्रेलर भी देखा मूवी का और साथ शॉर्ट्स के जो दिखाए गए. आपका करेक्टर बड़ा वर्सेटाइल है इसमें, क्या कहना चाहेंगे, कैसी कामयाबियाँ छोड़ी है मूवी? यार जो मैंने इस वक्त अभी ट्रेलर देखा है, ऑनेस्टली मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत आगे का ट्रेलर है, बहुत आगे की एक्सपेक्टेशन है माशाल्लाह. और जो जिस स्केल पर कामरान शाहिद इस फिल्म को ले गए हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान को इस तरह की फिल्म बनाने की बड़ी ज़रूरत थी, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को, ये जो अब की जनरेशन है, उन्हें हम ये बताएं कि हिस्ट्री क्या है. बाकी के ममालिक में आप देखते होंगे कि हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती हैं, और आज के दौर में भी इसीलिए बन रही हैं ताकि हमारी जनरेशन को जो है वो ये बताया जा सके कि हिस्ट्री क्या थी और उसकी जो असलियत थी वो क्या थी. लेकिन इस फिल्म में आपको पूरा रोमांस भी मिलेगा, एक लव स्टोरी है जो बहुत खूबसूरती से शूट की गई है, मिकाल और सादिया ने बहुत खूबसूरत काम किया है, बाकी मेरे साथ बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, शफकत चीमा साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, महमूद असलम हैं, समीना पीरजादा हैं, और बहुत सारे और मजीद एक्टर्स हैं. तो इन लोगों के साथ काम करके, शाहिद साहब हैं, इन लोगों के साथ काम करके मुझे वैसे ही बहुत ऑनर फील हो रहा है कि ये इतनी बड़ी कास्ट के साथ मैं हिस्सा बनाऊँ इस फिल्म का. थैंक यू वेरी मच. सर देखिए, कामयाबी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फ्यूचर के बारे में ये अल्लाह की ज़ात जानती है कि क्या होना है क्या नहीं होना. बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्म्स जो होती हैं वो डब्बों में बंद हो जाती हैं या तीसरे दिन उतर जाती हैं, और बाज़ दफ़ा एक आम सी बनी हुई फिल्म जो है वो सुपर हिट हो जाती है, जिसकी बेशुमार मिसालें. तो फ्यूचर के मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते. बाकी जहाँ तक मेरे रोल का ताल्लुक है वो क्रेडिट शाहिद कामरान साहब को जाता है, क्योंकि इसमें होता ही है कि जो आप क्रिएट करते हैं ना करेक्टर, जो एक राइटर लिखता है और वो हम डायरेक्टर के साथ मिल के उस करेक्टर को बनाते हैं,
कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसका मैनरिज्म क्या होगा, टोन टेम्पो क्या होगी, वो हम क्रिएट करते हैं. लाइक कोई भी अकबर खान है या सरदार दिलावर है या महमूद साहब है, ये करेक्टर एक्टर जो है ये उसकी क्रिएशन होती है, वो बनाता है. लेकिन जो हिस्टोरिकल करेक्टर्स होते हैं ना जी, इनके इनके लिए रिसर्च वर्क जो है वो करना पड़ता है. तो अब वो ऑब्वियसली हम लोग तो इतना रिसर्च उसमें नहीं कर सकते क्योंकि एक करेक्टर है उसमें. तो जितना भी रिसर्च वर्क था वो इसमें मुझे प्रोवाइड किया है कामरान शाहिद साहब ने. उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने पुरानी मुजीबुर्रहमान की जो थी वो तकारीर जो थी, वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज उनकी, वो किस तरह मूव करते थे, चलते थे, उनका बोलने का क्या स्टाइल था, ये सारी चीज़ें जो थी ये कामरान शाहिद साहब ने वो उन्होंने प्रोवाइड की. उसको मैंने कोशिश की है क्योंकि ये करेक्टर करने बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें एग्जैक्ट उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल काम है. तो अपने जो करेक्टर क्रिएट किए होते हैं उसमें तो अल्लाह तेरी खैर करे, शिजात असफलवा आने का जो मदी कराल है. लेकिन ये जो करेक्टर है ना, इसमें उनकी टोन टेम्पो उनके लिहाज से बोलना, ये ज़रा मुश्किल काम था. लेकिन बहरहाल कोशिश की है, इंसान कोशिश करता है तो उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे और लोग ही बनाएंगे इंशाल्लाह, आएंगे देखेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या क्या किया कामरान शाही साहब ने कहा. लेकिन बहुत जुनूनी आदमी है, मैं नो डाउट के बड़े मेहनत से बड़े शौक से सारी सारी रात सारा सारा दिन इसने ना भूख देखी है ना नींद देखी है ना कुछ और देखा इसने, तो इसने बड़ी मेहनत की है. तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी मेहनत का इसको फल जो है वो बता दे इंशाल्लाह. थैंक यू. जी ये सर आपका करेक्टर बड़ा हमने देखा कि वर्सेटाइल सा करेक्टर है, उसके बारे से थोड़ा सा बता दें और कितने इस मूवी के करेक्टर के हवाले से आप जानते हैं माशाल्लाह सारे लोग के वो तफसील बताई नहीं जाती, वो चूँकि फिल्म है और उसको राज ही रहना चाहिए. मगर ये मैं कह सकता हूँ कि एक डिफरेंट रोल है मेरी ज़िंदगी का, ख़ास तौर पर फिल्मी पर्दे पर. इस तरह के रोल शायद पहले थिएटर पर किया हो मैंने, मगर ये फिल्म की स्क्रीन पे एक मेरा डिफरेंट रोल है. अल्लाह करे अच्छा हो गया हो मुझसे और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे. बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है. कामरान शाहिद जो इसके डायरेक्टर और राइटर हैं, मैं समझता हूँ कि एक एक लफ्ज़ की उन्होंने हिफाजत की है और उसे लिखते हुए उन्होंने पूरी तवज्जो इस बात पे रखी है कि कोई बीच में एक लफ्ज़ भी हल्का ना हो. और डायरेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जांबाजी से, बड़ी कमिटमेंट के साथ और इंतहाई ईमानदारी के साथ काम किया है. और सच यही है कि हमें हैरान कर दिया उन्होंने कि ये एक नया आदमी जो एक न्यूज़ जर्नलिज्म के साथ, करंट अफेयर्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो है वो शोबिज़ में परफॉर्मिंग आर्ट के लिए इतना तैयार होगा और इस कदर माशाल्लाह इंटेलिजेंट होगा और इतनी खूबसूरत स्क्रीन सजाएगा. तो बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला अच्छी करे और